अस्सलाम वालेकुम मोबाइल ऐप्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हैक कर सकते हैं। अगर आपका दोस्त व्हाट्सअप स्टेटस आया हुआ है तो आप उसको किस तरीके से हैक कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे अपना स्टेटस लगा भी सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से तक जरूर देखना है। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजमी से प्रेस कर दिया करें। इससे ये होगा कि मैं जब भी कोई न्यू फीचर न्यू रनिंग एप्लीकेशन और बहुत सी वीडियो जब वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन बारे में आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो को शुरू कर देते हैं। गाइस मैं अपनी व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के साथ में मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरी व्हाट्सअप है, यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे दोस्तों ने स्टेटस चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटस लगाया था, चेंज किया था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक स्टेटस चेंज किया हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो गाइस किस तरीके से आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर सकते हैं, अपने दोस्त का हैक कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप अपना अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट से तक जरूर देखना है। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजमी से प्रेस कर दिया करें। व्हाट्सएप की 5 ऐसी सेटिंग बताऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको एक ऐप चाहिए होगी, ऐप का लिंक कहाँ भी आपको बता देता हूँ। वीडियो जो देख रहे हैं वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने ऑल पे क्लिक कर देना है और गाइज ये होता है टाइटल, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये होता है टाइटल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोडिंग नो का ऑप्शन होगा। यहाँ से जाके आप जस्ट ये आपको लिंक से मिलेगी, प्ले स्टोर के अंदर नहीं है। और यहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के साथ में यहां पे आपको बहुत से देखने को फीचर मिल जाएंगे। यहां पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे जाते हैं रिस्टोर और यहां पे चेंज और इमोज का भी यहां पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमोज का भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप हाय का यहाँ पे ऑप्शन है और इसमें आप इस यहाँ पे आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाय का, यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है और यहाँ पर व्हाट्सअप और यहाँ पर शेयर का भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सअप का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है और यहाँ पे अपने दोस्तों को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किस स्टाइल में दे सकते हैं, यहाँ पे मैं देख देता हूँ हाय और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भी आपको इमेज का भी ऑप्शन है, यहाँ पर इमेज कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज का ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा, यहाँ पे वहाँ पे आपको शो होगा क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1000 यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस स्टाइल में दे सकते हैं। तो बैग आ जाता हूँ, बैग आने के साथ में यहाँ पर आपको एक न्यू फीचर मिल जाता है, यहाँ पर क्लोज फोन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूल फ्रेंड्स है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत से स्टाइल में मिल जाते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद जिला लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आप कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोहम्मद जलाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अगर आप व्हाट्सअप पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर का भी ऑप्शन है, यहाँ पर व्हाट्सअप का भी ऑप्शन है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जलाल लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत से फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो बैग आए जाते हैं, बैग आने के साथ में यहाँ पे आपको नीचे मैसेज यहाँ पे रिपोर्टेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम और यहाँ पे वेलकम का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी लगाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 50 हैं आप यहाँ पे 1000 लिखेंगे तो यहाँ पे 1000 आपको इमेज देखने को 10000 मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं
तो यहाँ पे एक मैक्सिमम 10,000 की है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप कॉपी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप कॉपी करके भी भेज सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पे मैं नाम अपना लिख देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैंने 10 के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप कॉपी भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत फीचर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस को किस तरीके से आपने चेंज करना है। किसी भी दोस्त का अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चेंजर फ्रेंड्स स्टेटस यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो आपने वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चेंज किया हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे दूसरे को चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है गाइस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे गैलरी पे आके यहाँ से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, और यहाँ पे ये मैं आपको लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली का यहाँ पे ऑप्शन आया, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं कि मैं अपनी व्हाट्सएप के अंदर जाता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जिसका लगाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक का लगाया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टाइम भी वही आपको शो होगा, यहाँ पे टाइम भी आप देख सकते हैं, ऊपर से आप टाइम भी देख सकते हैं। वही स्टेटस लगाया हुआ है, तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टेटस को हैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज़ाद दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।